सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर टर्बन बाय कमल। मैं है थोड़े कमल ते आज का नवा एपीसोड लेके आया मैं थोड़े वास्ते। आज के एपीसोड च मैं दसन जा रहा थानू कि जे तुसी मोटी डोरी यूज करते हो दाढ़ी बनन वास्ते तो उन्हें तुसी किस तरीके नाल रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आम तौर पर कई वीर ने मैनू दसिया ये अंदर कि कहिंदे वीर जी जिहड़ी डोरी है बाद च दिखदी भी है नाले वो ज़्यादा टाइम तक इस जगह पर अगर असी बन के रखते हैं शुरू शुरू जिहड़े नवें नवें वीर सिख रहे हैं दाढ़ी बनना तो उन्होंने वास्ते बड़ा औखा होंदा कि नहीं वीर जी इन्नी देर तक नहीं रखी जाती। तो उहदा मैं उपाय लेके आया, उहदे वास्ते मैं एक निवारण थोड़े वास्ते लेके आया। इहदे अंदर तुसी कुछ नहीं करना, तो सिर्फ जिद्दां तुसी दाढ़ी बनते हो उस तरीके नाल ही दाढ़ी बननी हैगी। तो आम तौर पर डोरी यूज़ करते हैं सारे इस तरीके की मोटी डोरी होंदी है, ठीक है ना जी। डोरी तुसी लो पर डोरी का ध्यान रखो, डोरी स्मूथ होनी चाहिए, पूरी दी पूरी डोरी स्मूथ होवे। ते दाढ़ी बनन नूं हुण मैं जिद्दां जिद्दां मैं करदा जा रहा उदा करके देखियो। जे तुसी कोई पग नहीं बननी है, वैसे तो आम तौर पर सारे वीर पग बनन तो पहले ही बनते हैं, लेकिन जे बन भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर तुसी सिर्फ ए वाले जिहड़े साडे अखीरले बाल है बाहर होने चाहिए है, ठीक है जी। इस तो शुरुआत असी की करना है, बालों हल्का जहा गीला कर लेना, थोड़ा जहा पानी ला के, तो पानी ला के जेडे स्मूथ हो जाते बाल अंदर डोरी के अंदर पाने सौखे हो जाते, तो फिर चिपकते भी जल्दी आ। मैं सारे वीर कहूँगा तेल ना लाया करो, तेल लाओगे तो दिक्कत आती है क्योंकि तेल दे उपर गम नहीं काम करती। हुण कई वीर ने दस्या मैनू कि हाँ बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन कई वीर की आदत है, वो कहिंदे नहीं जी असी पहले तेल लाने हैं फिर उस तो बाद गम लाने हैं, वो बड़ी जल्दी खुल जाती है दाढ़ी। तुसी पानी ला के बन्निया करो थले दाढ़ी इस बिल्कुल एकदम थले, असी लैनी है कि डोरी लैके उपर जिन्या भी तुसी गिठाना मारते हो मार लो, ठीक है जी। ए मार ली हुण इहनू अंदर मोड़न का तरीका जिहड़ा हैगा, आम तौर पर सारे वीर की करते हैं पहले स्प्रे मार लेंदे हैं। स्प्रे ना मारो बिल्कुल भी, स्प्रे तुसी बाद च करो या तुसी सिमको ला के, कई वीर ब्रुश नाल सिमको लाते हैं फिर उस तो बाद फोल्ड करते हैं। उहदे अंदर मैं तुहानू दस्सदा की होंदा, उहदे अंदर जिहड़े बाल हुंदे आ टुटदे बहुत आ दाढ़ी दे अंदर, वह टुटणगे किद्दां मैं तुहानू दस्सदा। ऐदा किया मूव या ऐदा ऐदा किया मूव तो अंदर दी बाल जड़े है वो टुट जाते हैं क्योंकि वह हार्डनैस आ जाते हैं अपनी इस डोरी के नाल चिपक जाते हैं, तो वो अंदर हार्डनैस आने करके जे असी उपर झाकण लगते हैं कोई इदा दी मूवमेंट करते हैं जिदे नाल की है डोरी के नाल चिपकया होया बाल जिदा ही तुसी मूव करोगे तो वह उत्थे टुट जाएगा, अंदरों दी टुट जाएगा। तो आम तौर पर ज़्यादातर वीरां नूं तुसी देखिया होगा कि किसी के इस जगह पर बाल नहीं होंगे, किसी के इस जगह पर बाल नहीं होंगे, किसी के इस जगह पर बाल नहीं होंगे, वो इस करके टुटते हैं क्योंकि खिंच पै जाती है। तुसी टाइट करके अंदर मोड़े है, टाइट करके अंदर मोड़े है, फिर वो सारे गम के नाल चिपके हुए हुण आपस च फस चुके, जब सुलझाने भी हो तो भी वह टुट जाते हैं। तो बाल ना टुटन का, अगर तुसी चाहते हो बाल ना टुटन तो मेरी ये गल जरूर नोट करियो, और बहुत अच्छी गल हैगी जे तुसी बाद च लाओ सिमको या बाद च। हुण तुसी कहोगे जी असी तां स्प्रे यूज़ नहीं करते, असी दूजा यूज़ करते हैं जिहड़ी लिक्विड वाली है, तो उहदा भी मैं तरीका है अपनी नैक्सट वीडियो च दसांगा किस तरीके नाल यूज़ करनी है। तो इहदे अंदर मैं तुहानू दस रहा बालों नूं इदां करके तुसी फोल्ड कर दो डोरी दे अंदर, देख सकते हो अंदर गए। ठीक है जी, फिर चल जाए अंदर, इतने उंगल दे नाल इस उंगल दे नाल डोरी नूं फड़ के तुसी बाड़ा नूं अंदर कर सकते हो। बड़ा आसान तरीके नाल जांदे आ, कोई इन्ना मेहनत नहीं करनी पैंदी। ऐ वाले फिर इतने
और ए डोरी दे नाल फायदा मैं तुहानूं दस्सदा की हुंदा, गुलाई आ जांदी आ फेस दी तुहाडी, गुलाई आ जांदी आ। जे तुसीं खिच के इत्थे जूड़ा करके फिर तुसीं अंदर पाउंदे हो, इत्थों दे वी बाल टुट जांदे सारे। पर डोरी दे नाल इदां नहीं होएगा, डोरी दे नाल एकदम गुलाई आएगी फेस दी, देखण नूं अच्छा लगदा। हुण तुसीं इदां मोड़ चुके हो, अच्छे तरीके नाल इहनूं कर लो, ठीक है जी। मैं तां इदां इदां करन तों बाद ठीक फिर एक एक बारी फिर सिलाई मार दिंदा, ताकि कोई बाल अगर बाहर होवे तां उह अंदर चला जाए। और मैं अपनी एक वीडियो च दस चुके हाँ कि जिहड़ा तुसीं ठाटा लेना हैगा वह सिल्क दा लो, कॉटन दा ना लो। सिल्क दा बहुत जल्दी तुहाडे बाल तोड़न नहीं दिंदा, नाले ड्राई बहुत जल्दी हो जाता। जे तुसी सिमको लाई आ ते ओ जल्दी ड्राई हो जाएगी, ओहदे उपर स्प्रे लेना हैगा। बस ठीक है जी, करने हैं ते कर लो, वैसे कोई लोड़ नहीं है। और एक होर चीज़ दसदा थानू, जिहड़ी ए ठाठी हैगी मतलब ठाठा जिहड़ा हैगा उहनू गिला करन दी लोड़ नहीं है। कई वीर गिला भी करते हैं, गिला करन दी लोड़ नहीं। ए देखो सिल्क दा हैगा, इहनू बन लो, 10 तों 15 मिनट बनो। मुच्छा वास्ते भी मैं दस दिना, स्प्रे लेना है इन्ना इतों की फड़ के ऐदा ऐदा, क्योंकि दाढ़ी तो अपनी हो ही जाती। कई वीर मुच्छा तो भी मान लो बनते हैं, ठाठी बनते हैं, कोई लोड़ नहीं है मुच्छा तो। जो थोड़े को अच्छी तरीके की हैगी गम तो कितने नहीं जाती मुच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास सेट रहनी है। 10 तों 15 मिनट बाद फिर खोलेंगे असी, फिर देखते हैं। सानू हो चुके 15 मिनट तो हुण ड्राई हो चुकी। जे थानू फिर भी लगता कि नहीं ड्राई नहीं हुई है, हल्की जी गिली है, तो तुसी होर टाइम ले सकते हो। यह मेरा नॉर्मल जहा अंदाजा है कि तुसी 10 तों 15 मिनट तो बाद तुसी ये ठाठे नू खोल सकते हो। तो ठाठे नू खोलन तो बाद मैं थानू दस रहा, जिदा असी खोलिया आराम आराम नाल खोलना हैगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हैगी, क्योंकि कई बार की होंदा अगले बाल जे वैसे चिपके नहीं होंदे, इहदे नाल आम तौर ते कई बार चिपक जांदे आ। क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया ठाठा सिल्क दा हैगा, जे कॉटन दा लोंगे तो वह चिपका लैंदा, ज़्यादातर वीर कॉटन दा ही यूज़ करते हैं, तो वह की होंदा चिपक जाता। हुण देखो यह मेरी दाढ़ी पूरी तुसीं देख सकते हो अच्छी तरीके नाल चिपक चुकी है, ठीक है जी। हुण तुसीं इह भी देख सकते हो पूरी गोल हैगी, पूरा फेस मेरा यह देखो, इधरों की भी पूरा गोल आ। इत्थे कोई मेरे इस तरी इस जगह पर बाला का मतलब गोला नहीं बनया हुआ, पूरी सारे तरफों की गोल फेस आ। बहुत अच्छा तरीका हैगा है दाढ़ी बनन का। हुण मैं थोनू अगली गल दसन जा रहा, जिहड़ी हुण तुसीं समझ लो पग बन्नी हुई है। हुण जिदा मैं पग तो नहीं मैं परना बनया हुआ सी, जे मैं पग भी बन्नी हुई है तो ये अंदर हूँ असी इदा तो जा नहीं सकते बाहर, ठीक है जी। यदा की उपाय है, यदा उपाय यही है डोरी हूँ असी ये क्ढनी है। और एक गल होर ध्यान रखियो, जे तुसी इनू इदा चिपकाया होया ना तो यह बाल नहीं खुलन गए, इदा ही फिक्स रहनगे, क्योंकि जब असी इन्हों फोल्ड किया उपरों की असी स्प्रे मारिया, जब बाल की आपस ग्रिपिंग बन गई है डोरी के नाल इस तरीके, तो बाल है निकल ही नहीं सकते, खुलनगे ही नहीं है बाल जब तक गिले नहीं होंगे। जब तुसी गिले करोगे तो ही खुलनगे। हुण मैं थोड़ा डोरी कढ़न का तरीका दस रहा, डोरी नू उपरली साइड तक खिंचना है इदा, ठीक है। डोरी निकल गई मेरी बाहर, डोरी बाहर आ गई है, बिना डोरी तो दाढ़ी सैट आ मेरी। जे हले भी थोड़ा लग रहा मेरे वीर कई कहे नहीं है खुल जाती है,
जे थानू हणे भी लगता कि यह खुल जाएगी कुछ नहीं करना फेर लो तुसी एक बारी उपरों की स्प्रे मारिया स्प्रे मार के तीन तो चार मिनट तक ठाठा बन लो फिर दोबारा ठीक है जी। वैसे मैं अजमा के देखी हुई है और मैं बनता भी इस तरीके ना नहीं है मैं घट तो घट दस दस बारह बारह घंटे जड़े कढ़ दिना पर दाढ़ी दा एक भी बाल बाहर नहीं आता पर कई वीर की सोच होएगी नहीं इदा नहीं होंगे पर तुसी अजमाओगे ना तब थानू पता लगेगा। यह वाली चीज़ एकदम मैं थोनू फ्रेंडली दस रहा कोई अंदर एडिट नहीं है वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं है तुसी करके देखोगे दाढ़ी थानू भी पता मेरी इतने तक आती है ठीक है जी। फोल्ड करके मैं अंदरली साइड तक कर ली जे एक डोरी ते एक बारी राउंड जाएगा फिर दूजी बार जाता फिर तीजी बार अगला बाल जाता तो वह की होंगे डोरी के उपर आ गया डोरी ने एक जगह बना के थोड़ी बालों की फिक्स करती फिर उपरों की तुम स्प्रे किया ठीक है सारी तरफों की स्प्रे किया जोड़े अंदरले बाल आ उत्थे फिक्स हो गए। हुण तुसी कहोगे जे असी बाल गिले कर लिए ते उस तो बाद स्प्रे करके फिर अंदर फोल्ड करिए उहदे अंदर की होंदा बाल पूरी तरीके नाल अंदर नहीं जाते क्योंकि उन्होंने गम लगी होंदी है ते वो टुट जाते हैं दाढ़ी हल्की हो जाती है साड़ी टुटने चालू हो जाते हैं। ज़्यादातर तुसी देखिया कि जेडे भी मोटी डोरी जिहड़ी यूज़ करते हैं उन्होंने दाढ़ियाँ हल्की हो जांदियां बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने जाड़ी लानी पैंदी है तो यही तरीका हैगा जिहड़ा तुसी इस चीज़ तो बच सकते हो। तो मेरी अगर थानू वीडियो अच्छी लगी होए तो इन लाइक जरूर करया करो शेयर करया करो होर वीर तक भी पहुँचाया करो। मेरी वीडियो आसान तो आसान तरीके दसे जाते हैं पग बनन दे दाढ़ी बनन दे जे थानू कोई होर किसी भी तरीके का इन्हों तो रिलेटिड सवाल हैगा तो तुसी मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा करो मैं जरूर खोजन की कोशिश करांगा सवालों के जवाबों की तो थानू दसांगा कि किस तरीके नाल तुसी इन्हां तो तुसी मुक्ति पा सकते हो या तुसी छुटकारा पा सकते हो। मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर करया करो मैं ज़्यादातर वीर देखते तो है उन्होंने पसंद भी आता पर सबसक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को लाइक कर देंगे तो सबसक्राइब करो शेयर करो तो लाइक भी करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।